भले ही संजना को गर्वित का प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसके सर पर गर्वित की बीवी होने का ठप्पा तो था। लेकिन वो भी आज सच की महफिल में संजना के सर से उतर गया था। और तो और, अब गर्वित के जीवन में संजना को छोड़कर कोई और महिला थी जिसे वो प्यार करता था। संजना ने महसूस किया कि अगर छोटे राजमहल के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए तो वो और गर्वित पूरी तरह से दो अलग अलग दुनिया के लोग बन जाएंगे। डर और घबराहट के बीच संजना ने वापस से अपने हाथ बढ़ाते हुए गर्वित के शर्ट को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, गर्वित तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मेरे पास एक ठोस वजह थी जिसके लिए मुझे अपने लिए एक सब्स्टिट्यूट को चुनना पड़ा था, और उसकी वजह सिर्फ तुम थे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी गर्वित, उस वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मुझे अपने लिए एक हमशक्ल का इंतजाम करना पड़ा था। संजना ने इसकी स्पष्टीकरण की, उसने क्यों और कैसे अपने लिए एक हमशक्ल का इंतजाम किया। इससे गर्वित को कोई लेना देना नहीं था, या फिर यूं कहें कि गर्वित को इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। ना तो वो ये सब सुनना चाहता था और ना ही उसकी इन सभी बातों में कोई दिलचस्पी थी। गर्वित संजना की परवाह इसलिए करने लगा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी परेशान करने वाली औरत ही असली संजना है। लेकिन अब गर्वित को एहसास हो गया था कि उसकी परेशान करने वाली औरत संजना नहीं है। इसलिए जो भी स्पष्टीकरण संजना उसे अभी दे रही थी, जो कुछ मायनों में बिल्कुल सही भी थे, लेकिन गर्वित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसके दिमाग को अब ये कारण बिल्कुल भी नहीं बदल सकते थे। जैसे गर्वित ने संजना के मुंह से उसकी बातें या फिर उसके स्पष्टीकरण को सुना ही ना हो, वैसे ही गर्वित ने अपना हाथ झटकते हुए संजना के हाथ को उसके शर्ट से आजाद करवा लिया था। संजना ने गर्वित के शर्ट को बड़ा कसकर पकड़ा था और संजना को लगा था कि इस हरकत से शायद वो गर्वित को रोक पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आया था। एक ही झटके में संजना के हाथों से गर्वित का शर्ट निकल चुका था। संजना इतना ज्यादा डर गई थी कि वह अपने आंसू बहाना ही भूल गई थी और अपनी गरिमा को त्यागते हुए जोर जोर से गर्वित के सामने भीख मांगने लगी थी। गर्वित मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, प्लीज प्लीज मुझे छोटे राजमहल से बाहर मत निकालो, प्लीज। हालांकि गर्वित को ना तो संजना की हरकतों से कोई फर्क पड़ा और ना ही उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से। संजना की पकड़ तो वैसे भी गर्वित के शर्ट से छूट ही चुकी थी और उसके बाद गर्वित ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के संजना के सामने बैठक कक्ष का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो गर्वित, प्लीज दरवाजा खोलो। संजना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए दरवाजे को जोर जोर से मारते हुए कहा। दरवाजे पर हाथ मारते हुए संजना के हाथ दुख गए, लेकिन वो दरवाजा संजना के लिए नहीं खुला था। गर्वित ये मत भूलो कि मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी की जिंदगी बचाई थी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। ये कहने के बाद संजना अपने पैर से दरवाजे को लात मारने लगी थी। तुम कितने एहसान फरामोश हो, हमारा तो तुम लोग पर एहसान है लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मेरे परिवार के लिए बुरा लगना चाहिए, तुम कैसे रखते हो मुझे। मैं जा रही हूँ तुम्हारे दादाजी के पास, वो जहाँ पर भी होंगे ना उनसे मिलूंगी, उन्हें भी तो पता चले कि उनके पोते ने क्या किया है, झूठ बोला है उनके पोते ने उनसे। अगर मुझे अकेले को भुगतना है ना तो मैं अकेले क्यों भुगतूं, सबको साथ लेकर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी के अभी जाऊंगी तुम्हारे दादाजी के पास। जैसे ही संजना के मुंह से ये शब्द बाहर निकले, वैसे उसने जोर से अपना फोन बैठक कक्ष के दरवाजे पर दे मारा था। उसके बाद संजना को देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी सारी ताकत खो चुकी थी। बैठक कक्ष के दरवाजे से अपने शरीर को हौले हौले रगड़ते हुए धीमे धीमे कमजोर अवस्था में आशना जमीन पर बैठ गई थी और अपने कमजोर हल्के हाथों से दरवाजे को पीटते हुए बोली, गर्वित मैंने जो कुछ भी किया मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मुझे मेरे लिए कोई हमशक्ल नहीं ढूंढनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बोलो कि तुमने जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले बोला वो सब झूठ था ना, प्लीज मुझे बोलो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ। गर्वित गर्वित दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा गर्वित। और जोर जोर से दरवाजे को पीटने की आवाजें आने लगी थी। संजना ने अपनी गरिमा के लिए जो भी सम्मान किया था उसे पूरी तरह से फेंक चुकी थी और फूट फूट कर रो रही थी। संजना को खुद को नहीं पता कि वो कितनी देर तक रोती रही, लेकिन उसका गला जब पूरी तरह से खराब हो गया तो उसके रोने की आवाज सिसकियों में बदल गई थी, लेकिन दरवाजा अभी बंद का बंद ही था। अपने मन में बची कुछ उम्मीद या आशा के साथ संजना दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी,
लेकिन अंदर मौजूद दो मर्दों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद संजना ने रोते रोते अपने हाथों से अपने फोन को इधर उधर ढूंढा। जब फोन मिल गया तो संजना ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखों से गौरी गुप्ता के नंबर को खोजा और तुरंत ही उसे कॉल मिला दिया था। तुरंत ही कॉल लग गया और सामने से गौरी गुप्ता ने उठा भी लिया था। इससे पहले कि गौरी गुप्ता कुछ बोलती, संजना ने रोते हुए फोन पर कहा, गौरी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे अरे क्या हुआ, हुआ क्या, क्या बात होगी, गौरी गुप्ता ने आश्चर्य दिखाते हुए पूछा। संजना ने वैसे ही रोते रोते गौरी गुप्ता को जवाब देते हुए कहा, सब गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था, संजना के पास अपने हालात को समझाने के लिए और कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। संजना शांत हो जाओ, पहले आराम से। भले ही गौरी गुप्ता के मन में भी चिंता के बादल दौड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने संजना को शांत कराने की कोशिश की थी। गौरी गुप्ता की बात सुनकर संजना खामोश हो चुकी थी। कुछ वक्त लेने के बाद संजना ने सिसकते हुए गौरी गुप्ता से कहा, क्या तुम मुझे लेने छोटे राजमहल आ सकती हो? छोटे राजमहल यानी गर्वित का घर। जैसे ही गौरी गुप्ता ने संजना के मुंह से ये सुना और उसके मन में जो विचार आए, उसका दिल पूरी तरह से बैठ गया था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो चुके थे, जिसकी कल्पना भी गौरी गुप्ता ने नहीं की थी। और आखिरकार गौरी गुप्ता ने संजना से पूछा, क्या तुम गर्वित से मिली? हाँ। रोते हुए और सिसकते हुए संजना ने गौरी गुप्ता से कहा, क्या उसे पता चल गया कि तुम्हारी कोई हमशक्ल भी है? गौरी गुप्ता से एक और सवाल संजना ने पूछा। हाँ। ये बोलने के बाद संजना वापस रोने लगी। इससे पहले कि गौरी गुप्ता आगे अपना कोई तीसरा सवाल पूछती या फिर अपनी कोई राय देती, संजना ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, क्या तुम अभी मुझसे ये सब सवाल पूछना बंद करोगी? और क्या मुझे यहां लेने आओगी? ठीक ठीक है, मैं आ रही हूं। जितना शांत रह सकती हो ना, उतना शांत रहने की कोशिश करना। इससे पहले कि गौरी गुप्ता कॉल रखती, उसने संजना को समझाने की कोशिश की थी। कुछ देर तक संजना ऐसे ही दरवाजे पर अपना सर टिकाए बैठी रही। उसके बाद जैसे तैसे उसने अपने शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए वो उस जगह से उठी और कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर गर्वित ने उसका सामान ऊपर से नीचे फेंका था। अपने दिल में दुख और दर्द की कसक लेकर संजना एक एक करके अपना सामान उठा रही थी, भले ही उसका सामान टूट गया हो या मैला हो गया हो। उसके बाद भी संजना अपना सारा सामान उठाते हुए अपने कार की डिक्की में डाल रही थी। जब कार की डिक्की इतनी ज्यादा भर गई कि वो बंद भी नहीं हो सकती थी, तब संजना ने अपना काम रोक दिया था। गौरी गुप्ता अभी तक नहीं आई थी और संजना उसकी प्रतीक्षा में अकेले ही गार्डन के पास उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर और प्रतीक्षा करने के बाद संजना अपनी कार के पास गई और जैसे ही उसने अपनी कार का दरवाजा खोला, वैसे ही छोटे राजमहल के बैठक कक्ष का मेन दरवाजा भी खुल गया था। संजना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गर्वित छोटे राजमहल से बाहर निकला था। संजना ने कार में बैठने का निर्णय कैंसिल कर दिया था, क्योंकि गर्वित के कदम सीधे संजना की तरफ ही बढ़ रहे थे और संजना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। क्या वो बाहर इसलिए है क्योंकि मैंने उसे उसके दादाजी की धमकी दी? क्या वो डर गया? मैं बात करती हूँ उससे, वो अपने दादाजी की बहुत फिक्र करता है। शायद यही सोचकर वो मुझे कहने आ रहा है कि मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। इन सोच विचारों से संजना ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की और अपने मन में उम्मीद की एक किरण जगाई थी, लेकिन गर्वित वो उसके नजदीक आने के बाद उसके पास से निकल गया था। क्या मैं गलत सोच रही थी? क्या वो कुछ और करने आया है? ये सोचते हुए संजना ने पीछे मुड़कर देखा तो गर्वित उसकी कार की डिक्की के पास खड़ा था। वो क्या कर रहा है वहां? संजना ने जैसे ही अपने मन में ये सोचा, वैसे ही गर्वित ने संजना की कार की डिक्की को ऊपर किया और थोड़ा इधर उधर हाथ मारने के बाद एक बॉक्स को बाहर निकाला था। संजना की आंखें बड़ी सी हो गई थी। शायद संजना ने ठीक सोचा था, गर्वित उसको जाने नहीं देना चाहता था। गर्वित ने ऐसे ही दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथे बॉक्स को भी बाहर निकाल लिया था। संजना का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। गर्वित की हरकत देखकर उसे महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके बाद रोते रोते उसके मुंह से धीमी सी आवाज बाहर आई, गर्वित। गर्वित के चेहरे पर या यूं कहें कि गर्वित की हरकत में कोई भी बदलाव नहीं आए थे और ऐसा लगा जैसे गर्वित ने उसे सुना ही नहीं था। संजना की कार की डिक्की की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद
गर्वित ने एक और बॉक्स बाहर निकाला। उसके बाद जब गर्वित को शांति मिली तो उसने कार की डिक्की को बंद किया, सारे बॉक्सेस को इकट्ठा किया और सीधा बैठक कक्ष की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे ही गर्वित वापस से संजना के पास से गुजरने लगा, वैसे ही संजना ने गर्वित का एक बार फिर से नाम पुकारा, गर्वित। गर्वित के कदम अचानक से रुक गए जब गर्वित ने अपनी पैनी नजरों से संजना के हैंडबैग को देखा। ये वही बैग था जो अलमारी से गायब था और यह हैंडबैग गर्वित ने अपनी परेशान करने वाली औरत को दिया था, संजना को नहीं। गर्वित छोटे राजमहल से बाहर इसीलिए आया था क्योंकि उसे अचानक से याद आया था कि जो चीजें उसे बालकनी से बाहर फेंक दी थी उसमें कुछ तोहफे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशान करने वाली औरत के लिए लेकर आया था, जो उसने संजना के सामान के साथ गलती से और गुस्से में बाहर फेंक दिया था, और उन तोहफों पर उसकी परेशान करने वाली औरत का नाम लिखा था। तो गर्वित उन तोहफों को संजना को क्यों ले जाने देता? बस उन तोहफों को लेने के लिए ही गर्वित भाई साहब बाहर पधारे थे। संजना के उस हैंडबैग को देखकर गर्वित एक गहरी सोच में डूब गया था। कुछ देर तक ऐसे ही उस हैंडबैग को देखने के बाद गर्वित ने अपनी नजरें हैंडबैग से हटा ली थी। संजना के पास से गुजरते हुए और अपने हाथों में बॉक्सेस का खजाना लिए गर्वित सीधा बैठक कक्ष के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। उन बॉक्सेस को सावधानी से सीढ़ियों पर रखने के बाद गर्वित वापस से पीछे मुड़ा और संजना की तरफ दोबारा से बढ़ने लगा था। गर्वित, ये तीसरी बार था जब संजना के मुंह से गर्वित का नाम निकला था, लेकिन इस बार जैसे ही संजना ने गर्वित का नाम बोला वैसे ही गर्वित उसकी आंखों के सामने खड़ा था। इससे पहले कि संजना आगे कुछ बोलती या फिर अपनी कोई हरकत करती, गर्वित ने अचानक से संजना का हाथ खींचा और उसके कंधे पर लटक रहे हैंडबैग को भी खींचते हुए उसके कंधे से अलग कर दिया था। उसके बाद गर्वित ने उस हैंडबैग का सारा सामान खाली करते हुए संजना की कार की ड्राइवर सीट पर उड़ेल दिया था। गर्वित की हरकतें संजना की समझ से पूरी तरह बाहर थी। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और समय समय पर उसकी आंखों के सामने कुछ और खेल ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। संजना चौंक गई थी और गर्वित की तरफ देखने लगी थी। असमंजस की हालत में संजना ने गर्वित से पूछा, गर्वित ये तुम क्या कर रहे हो? संजना के शब्दों को नजरअंदाज करते हुए गर्वित का ध्यान पूरी तरह से उस हैंडबैग पर अटका हुआ था और बारीकी से जांच करते हुए गर्वित ये सुनिश्चित कर रहा था कि कहीं उस बैग में कुछ रह तो नहीं गया है। जब गर्वित को यकीन हो गया कि वो हैंडबैग पूरा खाली हो गया है, तब गर्वित पीछे मुड़ते हुए वापस से जाने के लिए तैयार हो चुका था। क्या वो छोटे राजमहल से बाहर मुझे लेने के लिए नहीं आया था? वो मेरा सामान तो लेकर गया लेकिन कुछ बोला नहीं। अभी भी मेरा हैंडबैग लेकर गया लेकिन उसने मेरा सामान खाली क्यों किया? क्या उसका कोई और इरादा है? जैसे ही संजना ने अपने मन में इन सब बातों को सोचा वैसे ही उसकी भौहें ऊपर की ओर उठ चुकी थी। संजना और भी ज्यादा चौंक गई थी। उसके बाद संजना ने भी अपने कदम गर्वित के पीछे पीछे बढ़ाए और कुछ दूरी तक गर्वित का पीछा किया था। गर्वित को पता लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए तुरंत ही गर्वित का कदम रुक से गए थे। क्या होगा आगे? क्या गर्वित एक बार फिर संजना की बेइज्जती करेगा? क्या संजना गर्वित को गुस्सा दिलाएगी या फिर एक बार रहम की भीख मांगेगी? क्या होगा जब गौरी गुप्ता छोटे राजमहल में गर्वित के सामने आ जाएगी? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, क्या गौरी गुप्ता वास्तव में संजना को लेने भी आएगी? क्या होगा अगर गौरी गुप्ता नहीं आएगी? आखिर संजना कहां जाएगी? अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी? क्या संजना बदला लेगी? सुनते रहिए ये प्यार नहीं।